नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना रांची में घर हो अपना। आई नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंटरपोल की चेतावनी के बावजूद बलूचिस्तान के तट पर खड़ा एक कबाड़ का जहाज पाकिस्तान के लिए बना सिरदर्द। पाकिस्तान की सरकार और बलूचिस्तान का प्रशासन नहीं जानता है कि ये जहाज उनके तट पर कब और कहां से आया। पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात ये है कि इस बात को लेकर इंटरपोल ने इसको चेतावनी दी है कि इनमें खतरनाक केमिकल्स। चीन से मुकाबले को अमेरिका ने की बड़ी चुनौतियां। अनुसंधान व विकास बिल पर सीनेट में वोटिंग। अमेरिका चीन से मुकाबले में बहुत आगे जाने की रणनीति बनाए हुए है और उसी के तहत उसने सीनेट में अनुसंधान और विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिल सीनेट में रखा है। इस बिल में मंजूर होने के बाद शोध कार्यों और तकनीक को उन्नत बनाने में मदद मिलेगी। हांगकांग में लोकतंत्र के बड़े समर्थक एवं मीडिया दिग्गज जिमी लाई को 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन में उनकी संलिप्तता के मामले में शुक्रवार को 14 महीने जेल की सजा सुनाई गई। हांगकांग जिला अदालत ने इसी मामले में 9 अन्य लोगों को 18 से 36 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। कोरोना संकट के चलते 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक। कोरोना संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के मामलों को स्वतः संज्ञान लिया, राज्यों को तुरंत राहत देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उन बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करने का निर्देश दिया जो कोरोना काल में अनाथ हो गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रमुख आरएस शर्मा ने कहा, ग्रामीण इलाकों में कॉल कर बुक कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन का स्लॉट। ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी की कमी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रमुख आरएस शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली को समावेशी हो, हमने 1075 कॉल सेंटर खोले हैं जहां पर लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। जामताड़ा में कोरोना का टीका लेने के बाद ही मिलेगा राशन, सभी डीलरों को दिया गया निर्देश। धर्मगुरुओं की भी नहीं मान रहे लोग। जामताड़ा प्रशासन की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है, अब जब तक टीका नहीं लगवाएंगे लोगों को राशन नहीं मिलेगा। राशन के लिए लोगों को अब राशन कार्ड से पहले टीके का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना इसके डीलर को भी राशन देने से सख्त मना किया गया है। शराब के नशे में पत्नी से हुआ विवाद, धारदार हथियार से पहले पत्नी का पेट फाड़ा फिर शव के पास रात भर बैठा रहा। चाईबासा के जिगपानी थाना क्षेत्र के नवगांव सेरेनगसाई में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शराब पीने के विवाद पर पहले पति डोगरे हिस्सा ने धारदार हथियार से वार कर शांति हिस्सा का पेट फाड़ दिया, इससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के गुमला से गिरफ्तार हुआ 1 लाख का इनामी भाकपा माओवादी एरिया कमांडर माधव भगत। माधव संगठन के शीर्ष नेताओं से छुट्टी लेकर अपने परिवार से मिलने के लिए चैनपुर थाना के घोरहटी गांव आया हुआ, तभी गुमला SP को इसकी गुप्त सूचना मिली। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा से 140 की रफ्तार से चले तूफान की गति बिहार आते आते 10 किलोमीटर रह गई, लेकिन पटना समेत 10 जिलों में 12 घंटे तक और होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान बिहार आते आते कमजोर पड़ गया। ओडिशा से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तूफान की गति घटकर बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में 55 और मध्य क्षेत्र में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई। बिहार में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मांग में 21% की वृद्धि। कोरोना वायरस ने बढ़ाया बीमा का बाजार, पिछले एक साल में करीब 21% बीमा उत्पादों की मांग बढ़ी है। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से पटना प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 में करीब 6000 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बिक्री हुई, यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में करीब 21% अधिक है। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ICC ने तय किए मैच के नियम। पहली बार टेस्ट मैच के लिए एक दिन रिजर्व, मैच ड्रॉ या टाई रहा तो दोनों टीमें संयुक्त विजेता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया है। ICC का कहना है कि मैच ड्रॉ या टाई रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं लिया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। मिताली हरमनप्रीत और मंधाना समेत 21 खिलाड़ियों को टीके का पहला डोज लगा।
बीसीसीआई ने यूके में ही दूसरे डोज की व्यवस्था की। इंग्लैंड टूर पर जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। गुरुवार को टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुनी गई 21 खिलाड़ियों को टीका लगा दिया गया है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अब इनके दूसरे डोज की व्यवस्था इंग्लैंड में ही कर रखी है। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ, और साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।